हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह की चाय के साथ। और अभी बजे हैं सुबह के 5:45 और आज मैं 5 बजे उठ गई थी। तो मेरे 5 बजे उठने का रीज़न ये था कि आज पार्थ का स्कूल का फर्स्ट डे है, तो मेरे को थोड़ा टेंशन था कि कभी लेट ना हो जाऊँ, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। और मैंने अभी मुँह धोया भी नहीं है, तो ये है कि कहीं लेट ना हो जाएँ, क्योंकि पार्थ के साथ हमें पार्थ को स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा। उसका भी कुछ रीज़न है, वो मैं आपको रास्ते में बताऊंगी जाते टाइम, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। तो चाय हमारी बन गई है और हम अभी चाय डाल के चाय पीने जा रहे हैं। पार्थ और संदीप अभी सो रहे हैं, तो उनको चाय लेके जाके मैं अभी उठाने वाली हूँ। अभी मैंने उनको उठाया नहीं था कि 5-10 मिनट और सो लें, तो अभी मैं चाय लेके जाती हूँ और उनको उठाती हूँ। तो ये हमारी सुबह की चाय रेडी हो गई है। तो हमारी चाय और ब्रेड टोस्ट रेडी हो गए हैं। ये मैंने 3 कप चाय इसलिए बनाई है क्योंकि पार्थ को भी चाय पसंद है और आज उसका स्कूल का फर्स्ट डे है, तो मैंने सोचा जो उसको पसंद है वही बना लेती हूँ। तो अभी चलते हैं चाय लेके और संदीप और पार्थ को उठाते हैं। और ये मैं चाय लेके आ गई हूँ और ये दोनों सो रहे हैं। पार्थ, पार्थ, गुड मॉर्निंग, उठो पार्थ। ये पार्थ के पापा सो रहे हैं। हाँ जी, कानों में आवाज नहीं पहुंची क्या? उठो, पहुंच रही, उठ रहा हूँ ना। उठ रहा है, सोए नहीं क्या रात को? नींद ना आई मेरे को, भी नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने 5:30 का अलार्म लगाया था, बट मैं 5 बजे ही उठ गई। वैसे तो सोई नहीं थी रात को, नींद ही नहीं आई, फिर मैं और जल्दी उठ गई। पार्थ उठो बेटा, चाय लेके आई हूँ। पार्थ उठो, चाय लेके आई हूँ। गुड मॉर्निंग पार्थ। ये देखो भाई, इसका अब उठने का बिल्कुल मन नहीं। आज स्कूल जाना है ना, तो इसकी नींद नहीं खुल रही। और दिन ये सबसे पहले उठ जाता था और टीवी देखने लग जाता था उस रूम में जाके। ये दोबारा सो गया। लो भाई, तो जब तक हम चाय पी लेते हैं, नहीं तो हमारी चाय हो जाएगी ठंडी। है देखो, इस पे मलाई भी आ गई है। और ये मैंने पार्थ के लिए लंच बॉक्स और वाटर बॉटल निकाली थी, जिसमें से पार्थ ने ये वाला लंच बॉक्स चूज किया है और ये वाला फ्रूट बॉक्स चूज किया है और ये वाली वाटर बॉटल। तो आज पार्थ को मैं स्कूल में यही सब देने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे सुबह जल्दी कहीं जाना होता है तो उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आती है, तो आज पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है, आप मेरा फेस देख सकते हैं। तो ये पार्ट उठ गया है और ये चाय पी रहा है और मेरी चाय ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो गाइज, अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। पार्थ को स्कूल में लंच में सब्जी देनी है, तो मैं आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ। मैं इसको आलू शिमला मिर्च दूँगी आज लंच में और 2 पराठे। फटाफट से सब्जी बना लेते हैं, फिर पार्थ को नहलाना है, रेडी करना है, खुद भी रेडी होना है। और ये देखिए, यहाँ पे सब्जी बनाई जा रही है। मैं आ गया हूँ, अब मैं आगे का ब्लॉग संभालूंगा। ये देखिए, ये छोक लगा दिया जीरे का। प्याज ना गिरा तने में, डाल दिए प्याज, दिख ना रहे प्याज, अब दिखेंगे थोड़ी ना। प्योरी डाल दी ना, टमाटो प्योरी। अच्छा, बढ़िया सी बनाई। अगर ऐसा चलता फिरता काम कर देगा, जल्दबाजी में चलता फिरता ही काम होगा, लेट होना कर रहे हैं। ये देखो टाइम बजे हुए हैं कितने, 6:17। और 6:17 पे हमारा बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार है। ये देखो, हमारे यहाँ कोई नहीं उठा होता इतनी जल्दी, बट मुझे व्लॉग बनाना था और पार्थ का स्कूल का फर्स्ट डे था, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। ये देखो भाई, पार्थ ब्रश कर रहा है। ये डोगी डोगी है गली में और कोई नहीं है। और ये पार्थ देख के नहा रहा है और ये शर्मा रहा है। मैं इसको वीडियो में ले रहा हूँ इसलिए शर्मा रहा है बहुत ज्यादा। आज बेचारा सुबह सुबह नहा रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, 10-11 बजे नहलाते थे इसको आराम से। आराम तो नवा भाई, इसकी छोरी का नाखून मार दिया तने। ये सारा कल पार्थ की यूनिफॉर्म, शूज, सब कुछ मैंने सेट करके रख दिया था, स्कूल बैग। और अब पार्थ ना लिया है, पार्थ को बस रेडी करना रह गया है, उसके बाद उसका लंच रेडी करना है। हाँ पार्थ, पुराने स्कूल की याद आ गई। अच्छा, स्नोफील्ड। पार्थ को ठंड लग रही है भाई, तू गर्म पानी में नहाया तो को ठंड लग रही है पार्थ है। पार्थ
क्या मतलब है भाई? और दिन ठंडे पानी में नहाता था फिर भी ठंड नहीं लगती थी, आज इतनी ठंड क्यों लग रही है? आज सुबह सुबह नहला दिया ना इसको। आज फोग है ना? फोग है? हाँ। अच्छा, और आज जल्दी भी तो नहा लिया, 6 बजे है ना पार्थ, धूप भी नहीं निकली अभी तो, इसलिए मेरे बेटे को ठंड लग रही है। तो गाइस, तो भाई पार्थ ऐसा एक सिंगल बच्चा है जो स्कूल जाते टाइम रोया नहीं है कभी भी। कभी नहीं रोता पार्थ, कभी रोया नहीं। पहले छोटे स्कूल में गया था ना, उसमें भी कभी नहीं रोया ना पार्थ। पार्थ को एक साल हमने प्ले स्कूल में भेजा था, तब भी ये बिल्कुल नहीं रोया था, बहुत ही गुड बॉय है मेरा बेटा। पर उसमें तो लेट जाता था ना, ये 8-9 जाता था। अब इसको सुबह सुबह, हाँ रोया कभी नहीं, पर जैसे अब इसको जल्दी उठना पड़ रहा है ना, फिर भी नहीं रोया, ये उठ के नहा लिया चुपचाप। पार्थ ने खुद से ब्रश की, फटाफट सारे काम कराए, मम्मा की हेल्प कराई पार्थ ने, अपने आप ब्रश की। मेरे बेटे पार्थ की ड्रेस वैसे अच्छी नहीं लगी, वाली नई वाली स्कूल की, स्कूल की ड्रेस जो अच्छी होती है, बढ़िया सी ड्रेस होती बच्चों की, वाली ड्रेस मजा नहीं आया ना बच्चों में, वो वाली ड्रेस बेकार है। तो अच्छी ड्रेस होनी चाहिए थी, अजीब सी ड्रेस बना रखी, कलर भी बेकार सा बना रखे, कलर भी बेकार, सारा चेक वेक सब बेकार है। बैठो पार्थ। चलो भाई ठीक है, पार्थ रेडी हो गया है, अब हम रेडी होते हैं। मैं तो नहाऊंगा नहीं यार, मैं तो कल नहा लिया था, मैं नहा लग गया ना तो लेट हो जाएंगे, आधा घंटा तो नहाने में लग जाएगा। इन कपड़ों में थोड़ा जाऊंगा, मैं बदलूंगा नहीं, मैं अभी तो कपड़े बदलूंगा अपने। पार्थ गिलहरी की आवाज कहाँ से आ रही बेटा? अच्छा ये यहाँ पाइप के ऊपर बैठी हुई है, ये सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोल रही है तेरे को पार्थ। ये रही देखी, ये सुपी हुई यहाँ पाइप के ऊपर, ये घर है इसका, यहाँ पे दिख रही सामने, येलो येलो रखा है, वहाँ से सन सन निकलेगा वहाँ से। किसको? बादलों ने पकड़ा हुआ सन को। और ये पार्थ रेडी हो गया है, पार्थ का खाना भी रेडी हो गया है, अब चलते हैं पार्थ को छोड़ने स्कूल, पार्थ को। और ये पार्थ ने बैग टांग लिया है, आप भी ना छोड़ो स्कूल में, चलो लेट हो रहा हूं मैं। चल रे, तेरे को बड़ी टेंशन, पार्थ को इतनी टेंशन हो रही है, पार्थ को बहुत चिंता हो रही है स्कूल की। अच्छा हो रहा है कि सब बच्चे गए और मैं रह गया, तभी मैं लेट। पार्थ को टाइम पे पहुंचना है हमने स्कूल में। तो पार्थ स्कूल के लिए रेडी है और हम अभी स्कूल के लिए निकल रहे हैं। पार्थ रेडी हो? हां रेडी। कैसा लग रहा है? मजा आएगा स्कूल में तो। मजा आएगा ना? खुश हो आप? सारे दिन खुश रहेगा, वेरी गुड। क्या करेगा स्कूल में? तो ये हम पार्थ के स्कूल के लिए निकल चुके हैं। तो पार्थ कैसा लग रहा है, रेडी हो स्कूल के लिए? हाँ। पार्थ को तो बहुत चिंता हो रही थी कि लेट ना हो जाऊं। हाँ, वो वैन में बच्चों को जाते हुए देखा था ना इसने, तो इसको लगा कि सब बच्चे चले गए और मैं रह गया, इसने भाग के अपना बैग टांग लिया। एक बार का कितने बार बोलोगे? तो यहाँ से पार्थ के स्कूल का आधे घंटे का रास्ता है, और अगर ट्रैफिक हो तो 1.5 घंटा लग जाएगा, है ना? ट्रैफिक होगा तो, लेकिन नहीं तो 25-20 मिनट का रास्ता। हाँ, पर हम फिर भी लेट है थोड़ा सा, हम अभी 7:32 हो गए, 7:32 हो गए हैं, और 8 बजे इसका स्कूल है, तो देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं, क्या होगा, 5-10 मिनट लेट होंगे या क्या होगा। तो गाइस, हमें पार्थ को स्कूल छोड़ने इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि कल हम स्कूल में ट्रांसपोर्ट फी पे करने गए थे, तो उन्होंने बताया नहीं हमें कि ट्रांसपोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है, और शाम को एकदम से उन्होंने 4 बजे सर्कुलर भेज दिया कि बच्चों को खुद से ही ड्रॉप करना पड़ेगा, पिक भी खुद करना है, तो इस वजह से हमें पार्थ को स्कूल छोड़ने जाना पड़ रहा है। वैसे पार्थ के लिए तो अच्छा हो गया है ना, पार्थ फर्स्ट डे मम्मी पापा के साथ स्कूल जा रहा है ना पार्थ? नहीं तो स्कूल बस से जाना पड़ता। पार्थ मेरे को लग रहा था सिक्स गाड़ी में जा रहा है, बैग लिस्ट में ये नहीं है, ये मेरे को नया लगा है। नहीं, दस की स्कूल के, पार्थ के स्कूल तो ये आगे एक और कैब जा रही है, सामने जो जा रही है स्कूल वैन, ये दक्ष की है। तो ये स्कूल वालों की बहुत ही गलत बात है, उन्होंने लास्ट टाइम हमें ये बताया बिल्कुल एंड टाइम पे कि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हमें अब खुद ही जाना पड़ेगा क्योंकि और कुछ अरेंजमेंट भी नहीं कर सकते अब हम एकदम से, तो हमें खुद ही जाना पड़ा। और तो ना फीस पहला कल जमा करवा ली। हाँ। कल नहीं बताया इन्होंने कुछ, बोले बता देंगे शाम तक, तो बता देंगे, अब एकदम मैसेज भेज दिया शाम को कि 4-5 दिन के लिए बस नहीं आएगी। हाँ, और मैंने कल पूछा भी था कि क्या टाइमिंग है, किस टाइम ड्रॉप पे बस आएगी, तो बोला कि सब कुछ अपडेट कर देंगे शाम तक, बट उन्होंने ऐसा अपडेट किया कि हम शॉक्ड हो गए,
गलत बात है, स्कूल बस है 10 की है। तो पार्थ के स्कूल आने में और जाने में कम से कम 1 घंटा 1.25 घंटा लग जाता है, तो इस वजह से हम वापस पार्थ को छोड़ के घर नहीं आएंगे। हम सोच रहे हैं कि वहीं रुक जाते हैं कहीं, और स्कूल तो पीछे वाली गली में ही है घर के। और पार्थ अगर हम जैसे को स्कूल छोड़ देंगे ना, स्कूल छोड़ने के बाद ना मम्मी को गाड़ी सिखाऊंगा आज। हाँ, मैं ठीक है जाऊंगा। तू स्कूल में पढ़ाई करेगा, मैं तेरी मम्मी को गाड़ी सिखाऊंगा। और नहीं मैं जब आऊंगा जब, और बैठ तो लेट आएगा ना 5:30 तो हम क्या करेंगे बाहर बैठ के। तो पार्थ हमें 4 घंटे भी तो काटने हैं, वो भी तो कैसे ही काटेंगे जब तक हम ब्लॉग बना लेंगे गाड़ी चलाते चलाते। 1 घंटा आने में लगेगा, 1 घंटा जाने में, हमारे 4 चक्कर कट जाएंगे अगर हम घर वापस जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि यहीं रह के वेट करेंगे पार्थ का। 12:30 पार्थ की छुट्टी हो जाएगी और 12:30 पार्थ को लेके हम 1 बजे तक, ऑलमोस्ट 1 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। हम तो अपना खाना भी लिया है, खाना पैक करके पार्थ तेरे साथ साथ हम गाड़ी में बैठ के खाना खाएंगे आज। तो कल भी हम पार्थ के स्कूल गए थे फी पे करने के लिए और इसकी बुक्स वगैरह सबमिट करानी थी, तो इस वजह से कल भी हमने बाहर का ही खाया था। तो सोचा आज पार्थ का तो बन ही रहा है खाना, तो हमने अपना भी पैक कर लिया और अब हम गाड़ी में बैठ के ही थोड़े टाइम बाद खा लेंगे। ब्रेकफास्ट हम करके आए थे और लंच हम आज गाड़ी में ही करेंगे और पार्थ का बैठ के वेट करेंगे। तो ये वही जाम लगा हुआ है, रुका हुआ है सब कुछ, तो लेट में और ज्यादा लेट होना इसे कहते हैं। एक तो घर से चले लेट और अब ये जाम मिल गया। ये अभी 5 मिनट हो गई हमें यहीं खड़े हुए और ये जाम बिल्कुल रुक के खड़ा हुआ है, धीरे धीरे बिल्कुल गाड़ियां निकल रही हैं। पार्थ ये बेटा आपका सैनिटाइजर है, इसको एक बार हैंड सैनिटाइज करके दिखाओ कैसे सैनिटाइज करोगे। थोड़ा सा लेना होता है, ओपन हो जाएगा आपसे। हाँ, हाथ पे लिया। हाँ बंद करो, पहले उसको बंद करो। हाँ अब हैंड सैनिटाइज रब करो दोनों हैंड्स को। वेरी गुड, ऐसे ही करना है ठीक है। और फिर वापस बैग में रख देना है सैनिटाइजर, मेरे को दो। दो खुश है ना पार्थ? अच्छी खुशबू है ना सैनिटाइजर, ये तो डिटॉल वाला है, इसकी अच्छी खुशबू है ना पार्थ। तो ये पार्थ उतर लिया है नीचे, जाम लगा हुआ था इसलिए हमें यही उतरना पड़ा। रुको बेटा, ये देखो इतना जाम लगा हुआ है और हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ। ये पार्क का स्कूल आ गया रेड बिल्डिंग, ये देखो क्या बुरा हाल है। एंट्री कैसे होगी मेन गेट में, बच्चे इतने बाहर खड़े हुए हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। पार्क मैम के साथ जाना ठीक है, मैं मैम के साथ छोड़ दूंगी आपको। ये स्कूल की बिल्डिंग है अंदर, ये यहाँ भीड़ है। कहाँ ये आ गया दक्ष, ये हमारे साथ आया है पूरे रास्ते, है भाई दक्ष। ये पार्थ, पार्थ दक्ष की बिल्डिंग अलग है बेटा, आपके थोड़ी छोटे बच्चों की बिल्डिंग अलग है ठीक है। अरे यहाँ तो लाइन लगी हुई आगे। तो ये पेरेंट्स को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, बट मैं आ गई हूँ छुपके से पार्थ को लेके, इसकी क्लास टीचर के पास ही इसको छोड़ के जाऊंगी। यहाँ ये बच्चों की लाइन लगी हुई है, तो उधर है पार्थ का सेक्शन। पार्थ वो रही सामने आपकी मैम पूजा नरूला मैम, अभी दिखाती हूँ। ये है पार्थ की मैम, मैम पार्थ हुड्डा, पार्थ हैप्पी बेटा। मैं आपको लेने आऊंगी 12:30 ठीक है। पार्थ कम, तो ये हमें अंदर भी एंट्री मिल गई है। ये पार्क का फर्स्ट टाइम स्कूल में आना, ये पार्क का गार्डन है, ये इधर भी ये बलून वलून लगा के डेकोरेट कर रखा है इन्होंने। पार्क कैसा लगा बेबी स्कूल आपको? अच्छा लगा। ये है पूरा उन्होंने रेडी किया है, कल तक तो वैसे कोई प्रिपरेशन नहीं थी, सब गंदा पड़ा था, तो मेरे को ये था कि इन्होंने कुछ तैयारियां नहीं कर रखी हैं, बट अब सब अच्छा कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ सब ने मास्क लगा रखा है, मैंने नहीं लगाया, मेरे को तो अभी ध्यान आया कि मास्क भी लगाना था, बट मैंने नहीं लगाया है, अब तो इसको छोड़ ही देती हूँ। बाय बेटा, मैम के पास आपको छोड़ूंगी मैं। ये नर्सरी ए है, ये नर्सरी बी है, ये नर्सरी डी सी, पार्थ आपकी क्लास ऊपर है शायद, और ये है प्रेप ए पार्थ की क्लास। पार्थ
emoji you like? This she is dancing and praying. Which one you like? This one? Okay. Lunch finish karna part, theek hai? Go. नहीं बेटा मन लगेगा, बैठो क्लास में, चलो ये देखो आपकी क्लास के बच्चे, कहाँ बैठोगे? यहाँ बैठ जाओ, ठीक है? अगर और कोई बच्चा साथ में बैठे तो बिठा लेना, ठीक है? है पार्थ? ये देखो। तो गाइस पार्थ वैसे तो रोता नहीं है, बट उसकी क्लास में बच्चा एक बहुत जोर जोर से रो रहा था, जिसको देख के पार्थ भी रोने लग गया। पार्थ पहले कभी नहीं रोया, लास्ट टाइम भी वो एक साल स्कूल में गया बट रोया नहीं। बुरा लग रहा था उसको स्कूल छोड़ के आते टाइम, क्योंकि वो कभी रोया नहीं है। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो रोया है। पार्थ पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पार्थ स्कूल जाते टाइम रोया है। मैंने कभी उसको ऐसे स्कूल में जाने के लिए रोते हुए नहीं देखा। वो भी उसकी क्लास का एक बच्चा बहुत जोर जोर से, मानविक है आई थिंक उसका नाम, वो बहुत जोर जोर से रो रहा था, उसको देख के पार्थ भी रोने लग गया। और पार्थ का मेन ये है कि वो दिखा के नहीं रोता है, वो मतलब चुपचाप ऐसे बस अपने आंसू पूछ रहा था, मेरे सामने ऐसे हंस रहा था, बट बहुत बुरा लगा। तो आज पार्थ का फर्स्ट डे था स्कूल का, बहुत टेंशन थी कैसे जाएगा कैसे क्या करेगा, बट फाइनली उसको स्कूल में छोड़ दिया है। अभी हम जा रहे हैं कहीं, देखते हैं क्या करेंगे, चार घंटे कहाँ कैसे बिताएंगे। और अभी भी मतलब जाम लगा हुआ है ऐसे ही, अभी भी पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, तो हम निकल लिए पार्थ को छोड़ के। बहुत बुरा लगा उसको छोड़ते टाइम। वो पार्थ वैसे तो रोता नहीं है, बट वो उसने अपनी क्लासमेट को देखा निर्वाण, वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था, उसको देख के पार्थ को भी रोना आ गया। और पार्थ का एक्चुअली ये है कि वो दिखा के नहीं रोता है, वो अपना चुपचाप ऐसे पूछ रहा था, तो उसको देख के मेरे को भी बहुत ज़्यादा हो गया। फिर मैं ज़्यादा देर वहाँ रुकी नहीं, फिर मैं आ गई वहाँ से। नहीं तो था कि थोड़ा जब तक है पेरेंट्स आ रहे हैं तब तक मैं पार्थ को देखती रहूँ क्या एक्टिविटी कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट फिर हिम्मत ही नहीं हुई मेरी और फिर मैं आ गई। और आज ये मैं इसको गाड़ी सिखा रहा हूँ, क्योंकि पार्थ को स्कूल छोड़ के आ गया, तो हमारे पास टाइम है 3-4 घंटे का, क्योंकि उसकी छुट्टी 12:30 बजे होगी। तो मैं सोचा चल जब तो इसको थोड़ी बहुत गाड़ी सिखा देता हूँ, इमरजेंसी में कहीं काम आ जाए भाई, आगे पीछे करनी पड़ जाए गाड़ी, मैं ना हूँ तो। हाँ, ये बैठ गई स्टेयरिंग पे, ये वाले तो बना है ना स्टेयरिंग पे, ये बैठ गई सीट पे, और ये देख ये इसमें क्लिच ब्रेक और रेस का, ठीक है ये वाला लास्ट वाला दबाना है, और लास्ट वाला रेस का है, थोड़ा सा दबाऊं राइट साइड का, सबसे राइट साइड का ना वो रेस का है, न्यूट्रल वगैरह सब कुछ चल। हाँ ये भी गाड़ी न्यूट्रल हमारी देख, ठीक है। तो ये हैंड ब्रेक लगा रखा है मैंने, पहले हम हैंड ब्रेक हटाएंगे। तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी दी कर ली इसने, ये चल इसी दी जान दे, उड़े उस बीच में लगा नहीं आते लगा थे ठीक सीधा कर। और ये देखिए गाड़ी चला रही है डिम्पी, थोड़ी सिखा दिया, अरे कहाँ ले जा रही है मैडम, इधर करो थोड़ा, मैं इस साइड कर रहा हूँ, और दबा रेस नहीं, रेस नहीं, रेस क्यों दबाई इतनी, अरे दब घी। तो ये देखिए गाइस डिम्पी को गाड़ी थोड़ी सिखा दी है, आज पहला ही दिन है, बस इसको पहले गियर में गाड़ी चलवा रखी है अभी मैंने, बस आगे देख क्या करे, बढ़ा दे के तक दीवार में बाढ़ दे, मारे वीडियो बनाता रहूँ, मोड़ हल्की हल्की मोड़, आराम आराम, स्पीड कम कर, हाँ चल चल, हाँ मोड़ शाबाश, और मोड़ बस सीधा स्टेयरिंग सीधी करती जा, स्टेयरिंग सीधा कर, हाँ घुमा और घुमा और घुमा, स्पीड में घुमा, टक्कर ना लग जाए, पर मैं बहुत ध्यान रख रखा इसका, टक्कर नहीं होने दूंगा। हाँ थोड़ा लेफ्ट साइड में स्टेयरिंग, मेरी साइड में, हाँ चला रहा है आराम आराम से, पर थोड़ा ठीक ठाक चला रही है, अभी पहला ही दिन है, राइट साइड मोड़ थोड़ा, हाँ ये देखो, अब थोड़ा लेफ्ट ले, लेफ्ट लेफ्ट रेस कम, रेस पर जान दे तुम्हें, हाँ मोड़ मोड़ूंगी मैं, चल मोड़, स्टीयरिंग सीधा, हाँ सीधा कर दिया, सीधा रेस मत बढ़ाइए ज्यादा, कि तुम घूम गया
घुमाई थी मैंने पूरे इंग्लैंड से। सीधा की तो है राइट साइड हो लेफ्ट साइड तो उल्टा हुआ उल्टी मोड़ लगी गाड़ी उड़ेगी उड़ना मोड़ थी इसी दिलान की तुम हमें क्या मोड़ लगा तो नहीं आता नहीं मोड़ना था ना बस रेस पे ध्यान तो सही रखा था रेस ना बढ़ाई रेस तो बढ़ा देना गड़बड़ हो जाए और बोले अब बस अब ऐसे चलने दे मी साइड रख थोड़ी गर्मी साइड हाँ हल्की मी साइड रख वो रहा अब यहाँ से तेरे को आगे से घुमा गोल गोल राइट साइड में घुमा 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 आराम आराम से रेस इतनी रहन दियो हाँ घुमा बस घुमाती जा आराम से और स्टेयरिंग सीधा करती जा दोबारा सीधा कर स्टेयरिंग मेरी साइड में लेफ्ट घुमा घुमा लेफ्ट घुमाती जा घुमाती जा बस अब सीधा हो गया हाँ बस थोड़ा और घुमा है मेरी साइड में घुमा रेस बस छोड़ा कर रेस छोड़ते फिर बंद हो जाएगी गाड़ी तो ये देखिए गाड़ी चला रही है मैंने बिल्कुल नहीं पकड़ रखा फिर अपनी साइड दबा गाड़ी को हाँ हल्के बस और लेफ्ट लेफ्ट ले लेफ्ट 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 हाँ और आगे जाने घुमा लेफ्ट ले मेरी साइड हाँ बस ऐसे आराम आराम घुमा रेस ज़्यादा मत दियो रेस रेस कम हाँ रेस कम ऐसे ही बस आराम आराम मुड़न दे अपना मुड़ जाएगी बस नहीं रख तू रेस रेस हल्की बढ़ा हाँ चल अब राइट घुमा स्टीयरिंग घुमा घुमा और घुमा बस अब लेफ्ट घुमा हल्का सा सीधा कर दे स्टीयरिंग सीधा कर दे वो सीधा ना ये हो गया चल चलने दे अब और कैसा लग रहा है गाड़ी चलाते हुए अब मजा आ रहा है पर बीच बीच में डर लगन लग जाए जब काम खराब हो जाए बस नु आराम चलाती रहे और आगे चल रेस दे हल्की रेस बिल्कुल कम करते ने काफी मशक्कत के बाद थोड़ी चल रही गाड़ी सीधी साधी चल रही अभी तो एक दो बार तो घोड़ा में बांट दी होती इसने तो थोड़ी दूर थी मैंने संभाल ली दूर है थोड़े मोड़ने में दिक्कत हो रही है इसको बाकी सीधी तो चला ही ली है सीधी तो सब चला ले हैं बात तो सारी मोड़ने घुमाने में स्टीयरिंग भी इसको वो नहीं बैठा ना तो थोड़ा हाथ उलझ जाते हैं स्टीयरिंग के अंदर अब दिखाती हूँ घुमा के ठीक है आराम आराम से घुमाऊंगी देखना कैसे घुमाएगी दिखाता हूँ आपको आराम आराम से घुमाइए भाई हम कंडक्टर न मार देंगे इसी तक घुमा स्टीयरिंग अब क्या से घुमाई तेने आड़ी बार ऐसे चल ऐसे चलने सीधी चलने दिन में साइड नहीं ले जाऊं लेके चला हल्की रेस दे रेस दे हल्की हाँ चल 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 अनु चलन दे सीधी अब ये छोटा वो है गोलधारा यार तू बाबा तू फोन में ना देखे अभी यहाँ छोटा गोलधारा थोड़ा साइड लेकर ना फिर घुमाइए इसने गोल गोल स्पीड कम कर थोड़ी स्पीड कम कर आई मोड़ घुमा अरे क्या उस तेरे मत घुमाई थी घुमाई थी आराम घुमा पूरा श्रीमत कर आराम आराम से अनवी रहने अनवी रहने अनवी रहने सीधा कर दे हाँ रेस सीधा कर चल 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 हाँ सही है सीधा हो गया थोड़ा अभी नहीं चलन दे चलन दे हाँ ये हल्का सीधा कर सीधा कर सीधा सीधा है साइड बेटा उल्टा राइट जाए तो उसको उल्टा लेफ्ट में कर दो ना गाड़ी को स्टीयरिंग को ये सीधा हो ये दिखाता हूँ घोड़े अभी आपको बैक कैमरा करके अब ये दोबारा घुमाएगी गाड़ी को यहाँ से घुमा भाई गोल गोल घुमा स्टार्ट कर दे हाँ हल्की हल्की आराम आराम से हाँ रेस आराम से हाँ शाबाश चलो 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 हाँ 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 बस वापिस घुमा स्टीयरिंग सीधा कर ये देखो ये घोड़े हैं यहाँ पे ये एक दो बार थोड़ा करीब लेगी थी इनके बहुत दूर थी मगर आज तो भाई हो गया घोड़े का काम और बच गए घोड़े का मेरा कुछ नहीं हाँ वो तो बहुत दूर थे पर डर तो रहा मैं बाट दे यार रेस दबा दे एकदम बहुत दूर थी स्पीड भी कम कर रखी है मैंने ये देखिए यहाँ पे पूरा खाली ग्राउंड है ये वहां तक पूरा खाली का स्टीयरिंग अपना संभाल रेड एंड ब्लू के पीछे यहाँ पे ग्राउंड है बहुत बड़ा यहाँ पे गाड़ी सीखने के लिए बहुत ईजी है ये जो नए ऐसे ही न्यू होते हैं ना सीखने वाले जैसे उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा है ये अब मंदी कर रहे हैं थोड़ी हल्के हल्की घुमा हाँ अभी अपने आप घुमा रही मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ घुमा घुमा बस आराम से हाँ हाँ ज़्यादा तेज नहीं हाँ बस अब वापस सीधा कर दे स्टीयरिंग सीधा कर दे स्टीयरिंग ने हाँ काट 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 रेस भी दबा हाँ सीधा कर हल्का सा हाँ 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 मे साइड हाँ अब सीधा कर दे बस अब सीधा वो है मेरी साइड लेफ्ट लेफ्ट बस 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 इतना स्ट्रेंग मत घुमाया कर सीधा इसका ये सीधा ही हो यो सीधा है अब चले दे उससे हमें घोड़े हैं हाँ अब तेरे को थोड़ा वहाँ से आगे से घुमानी है गाड़ी
ये तो भी ले रहे सिंधा नमक काला नमक लेना क्या डरते दे रेडी अभी लिख रखा काला नमक सिंधा नमक काला गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो जाऊं उसके बाद चल 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 अब यहाँ से घुमानी है गोल गोल आराम आराम तो घुमा 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 आराम से हाँ घुमा 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 चल चल ज्यादा लंबा कट अब हाँ स्टीयरिंग घुमा सीधा कर दे स्टीयरिंग नमी तरफ कर दे हाँ बस 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 ज्यादा नहीं बचा नहीं और घुमा मेरी तरफ बस अब से सीधी होगी गाड़ी थोड़ा और मेरी तरफ ले ले हल्का हल्का ज्यादा नहीं ज्यादा मत घुमाया कर ये और सीधा कर हाँ बस अब तेरी गाड़ी सीधी होगी यहाँ ठीक है अभी पहले गियर में गाड़ी चलवा रहा हूँ इससे क्योंकि आज पहला दिन है ना मंदी रेस मंदी कर ना करी ना हाँ अब करी चल मोड हल्का सा बस बस अभी सीधा स्टेयरिंग है तेरा क्योंकि ज्यादा लेफ्ट में साइड जाओ ना तो हल्का सा राइट कर दे हल्का सा कर बस ज्यादा नहीं हाँ ये हल्का सा मेरी साइड उल्टा कर दे गाड़ी सीधी होगी ज्यादा मत घुमाया कर हल्का सा मेरी साइड ले बस फिर ज्यादा घुमाओ तुम बस मेरी साइड ले हल्का सा और ले ये हमारे पास आज पूरा टाइम था कि पार्थ को स्कूल में छोड़ के आ गए थे ना तो भाई 4-5 घंटे तो क्या करें मैंने सोचा इसको गाड़ी सिखा देता हूँ और उसी की ट्रेनिंग चल रही है अब गर्मी पहला ही दिन है इसका गड़ा सूख गया मेरा लेफ्ट हल्की लेफ्ट ले लेफ्ट भूल गई थी क्या कटनी इसका हल्का बात हम ध्यान जाते हैं सब कुछ भूल जाए गाड़ी घुमानी है या नहीं घुमानी बस बात हम ध्यान लग जाए इसका राइट घुमा हाँ स्टीयरिंग राइट कर हाँ कर 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 लेफ्ट हल्की लेफ्ट लेफ्ट हाँ लेफ्ट और लेफ्ट अब हल्की सीधी कर दे राइट 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 कर है राइट राइट बेटा राइट राइट कह रहा हूँ तो ये लेफ्ट घुमा रही है देखो कैसा क्या राइट तो दिमाग आउट हो जाए इस टाइम पे तो यार वो खाली इधर हल्की सी रेस दबवा रखी है खाली माइंड ब्लैंक हो जाए तो स्टीयरिंग पकड़ा रखा है लेफ्ट कहूँ तो लेफ्ट कर दिया राइट कहूँ तो राइट कर दिया अगर हाँ अभी ये सही करा था नहीं साइड ज्यादा दबा कर ना आप घुमाइए था ना सही होगा वो मजा अभी जब पे आवा हाँ, थोड़े एक तू बीच में तो घुमा देवा गलत घुमा भाई तू अपनी साइड दबा कर सही घुमाइए था ना सीधा कर स्टीयरिंग जब तेरे दिख गया तेरा मुंह उठना पूरा हो गया है तो स्टीयरिंग सीधा करना स्टार्ट कर दिया कर आई हल्का सा राइट कर कि स्टीयरिंग सीधा ना है ये राइट कर राइट हाँ और सीधा कर बस 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 ज्यादा घुमा दिया लेफ्ट हल्का बस चलने दे अब चलने दे सीधी चलो अभी इसके हाथ में छोड़ रखी है मैंने फिर यही चला रही अभी तक मैं तो एक दो बार बस बीच बीच में हाथ लगाता हूँ ज्यादा दिखता है भाई कहीं खतरा है मेरे को महसूस होता है ना वहीं पर मैं इसको सेफ्टी के लिए अपना हाथ यूज कर देता हूँ स्टीयरिंग पर थोड़ा लेफ्ट ले लेफ्ट घोड़े की तरफ ले देखो तू घोड़े तक ना कितने ले जा जाएगी गाड़ी ना अब राइट कर राइट 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 कर घोड़े पर ना लगन दे राइट करना हाँ ये सही करा वो कबूतर के ना सीधा सीधा कबूतर के ना ले जा घोड़े कबूतर जाए ना पूरा ले जा जोर है घोड़े की जान ज्यादा प्यारी है मेरे को अपनी जान से अब यहाँ से कबूतर के पास तो मोड़ लेफ्ट राइट रे राइट हाँ राइट रे मेरे तो मुंह लेफ्ट लकड़ा लगा राइट की जगह इतना बिचला रखा हूँ तना मैं सही है ना बोलूँ राइट लकड़ा लेफ्ट सिद्धि कर मैंने बट्टा कट लेना स्टीयरिंग बस सिद्धि है बट्टा कट लेना और सिद्धि कर और सिद्धि कर हाँ हाँ बोल अगर मैंने बट्टा कट जैसे ही घुमाई ये छोटा वो होया तो बड़ा कट लेना हो तो बड़े कट में से मजा आ रहा बड़ा कट तो था यो घुमाण में छोटा था ये देखिए गाइस जब यही मोड़ के दिखाएगी मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा ये अपने आप मोड़ेगी गाड़ी को मैं एक्सपर्ट होगी हाँ थोड़ा मेरे से मोड़ना थोड़ा आ गया है थोड़ा पहले से बेटर कर रही है वहाँ साइड में गाड़ी और चल रही है आपको दिख रही होगी देखो हमारी चल रही गाड़ी ये से घुमा दे मोड़ दे मोड़ दे मोड़ दे मोड़ दे हाँ बस मोड़ मोड़ हाँ उस साइड ले चलूँ ना ना भी पहले चल चले चले चल ले लेफ्ट लेफ्ट ले लेफ्ट लेफ्ट आज पूरे में अब ये देखिए आज यही गाड़ी चला रही है मैं तो बस हल्का सा एक बार इसको रेस का बताया था स्टीयरिंग का बताया था और ये गाड़ी चला रही है अब हमने अपनी अब थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता आएगा थोड़ा गाड़ी जगह चेंज कर लिया अब तक तो मैं एक ही जगह पे चला रही थी अब इसमें मेरे को पता नहीं गड्ढा आ गया कोई ना राम चलने में जान दे रहा मैम इतना बड़ा गड्ढा अपने आप चल पड़ेगी इतना बड़ा गड्ढा ना है सामने सीधा जाना है हां सीधा चलने दे और कहां इस साइड लगाई हल्की सी ना स्पीड इतनी रहने दे इतनी रहने दे इनका गड्ढा भी रेस दब जा रहा है वजह था अच्छा आपके पास हो वही ना झटका लग गया ना चल चलने दे हल्की अब ये देखिए इसको इस बीडीसी रोड पे लिया है ज्यादा पहले ज्यादा खुला था ना ग्राउंड सा था और अब थोड़ा भीड़ा रोड है ये ऊबड़ खाबड़ भी है तो पैर के झटके लग रहे हैं कभी रेस मंदी थोड़ी तेज ज्यादा ऐसी हो रही है यहाँ पे पर ज्यादा नहीं हो रही थोड़ी बहुत हो रही है पर मजा आ रहा है चलाने में
अब हम अब थोड़ा मेरे को आइडिया हो गया ना चलाने का। आगे से घुमाएंगे, आगे बड़ा आ जाएगा एक राउंड, आगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा अभी। हाँ ऐसे चलने दे। हाँ घुमा दे। अब थोड़ा मेरे को भी डर कम लग रहा है कि थोड़ा सही चला रही ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था मेरे को भी थोड़ा। देख लेफ्ट 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 लेफ्ट, मेरे को भी थोड़ा कम डर लग रहा है अब, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। सुरेश मंदिर रख, या गड्ढे आओगे ज्यादा तो साइड ले लूँ ना। रख था बस बीच मंदिर लेफ्ट ले सकते। अब ये यहाँ पे चलाएगी, इसमें थोड़ा ये और ज्यादा खुला है, पर यहाँ पे मिट्टी ज्यादा थी इसलिए मैं इसको वहाँ पे लेगा था। वहाँ पे थोड़ा पक्का भी था और थोड़ा स्पेस भी कम था, यहाँ पे थोड़ी मिट्टी ज्यादा है। घुमा घुमा, थोड़ी स्पीड बढ़ा दी। हाँ, मैंने स्पीड बढ़ा दी है, देख रही हूँ। हाँ ठीक है, बस इतनी रख। घुमा दो गोल गोल ना, आराम आराम से एकदम, तू उधर ही काट देगी। ना 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 धीरे धीरे काटूंगी, चलाओ। हाँ ले हल्के 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 ले तो आराम से रही हूँ, पर ये पूरी स्पीड में घूम रही है अब तो। सीधी चलने दो, आगे गाड़ी चलानी। चलो मजा आवे चलाने में, स्पीड में चलाने में मजा आवे, स्लो में मजा ना आता। वो तेरा वो ना है ना सेट पैर, इसमें तेज ना चलवा रहा ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। गड्ढे में तेज पैर दबा दिया, थोड़े झटका झुटका लग के और तेज फिर बढ़ जाएगी गड्डी। उधर थोड़ा खुला है, इसमें थोड़ा डर कम है। साइड हीट ज्यादा, उल्टी घुमा लो। हाँ उल्टी घुमा, ये बाइक वाले सीख गए हो, उल्टी ले लेफ्ट साइड में ले। हाँ ये सीख है शायद, बच्चा है थोड़ा, ज्यादा बड़ा लेफ्ट साइड में ले हल्की, आगे ना बने चलानी। तो भाई अभी 2.5 घंटे हुए हैं, हमने गाड़ी भी सीख ली और खाना भी खा लिया, और अभी 11:30 हुए हैं, 10:30 हुए हैं। तो हम कुछ देर के लिए यहाँ पार्क में आए हैं, ये पार्क काफी अच्छा है। तो यहाँ हरियाली हरियाली चारों तरफ इतनी बढ़िया है ना। हाँ ग्रीनरी अच्छी है, इतनी बढ़िया खुशबू यहाँ पे फुल्ला की, यहाँ फ्लावर्स में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और अच्छा पार्क है। तो यहाँ थोड़ा 1 घंटा यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद पार्क को लेने के लिए जाएंगे। और धूप बहुत ज्यादा हो गई है, 4 घंटे पता ही नहीं चला कैसे खत्म हो गए, पर गर्मी बहुत होगी, बहुत ज्यादा। तो अब हम जा रहे हैं पार्क को लेने के लिए, वैसे तो भी आधा घंटा बचा हुआ है, आधा पूरा घंटा बचा हुआ है, बट हम वहाँ जाके पहले ही बैठ जाते हैं, कुछ देर वहाँ बैठ जाएंगे पार्क के, स्कूल के पार्क में। हाँ क्योंकि गर्मी बहुत होगी, वहाँ कुछ पेरेंट्स होंगे उनसे बातचीत कर लेंगे। हाँ कुछ जाएंगे तो पता ही लगेगा कुछ। ये देखो कितनी भीड़ है, और 12:35 हो गए हैं, इन्होंने इतनी लेट दरवाजा खोला है, और संदीप लेने गया हुआ है व्लॉग यूट्यूब। हाँ हम दोनों ही बनाते हैं, मिस्टर एंड मिसेस सुधा के नाम से। तो इसका फर्स्ट डे था तो हमने पूरा शूट कर लिया आज का। कैसे देंगे बच्चों को इतनी भीड़ में, पूरा गेट खोलना चाहिए ना। फिर सारे पेरेंट्स चले जाएंगे, अरे अपने अपने बच्चों ने पकड़ लेंगे, और ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे किस का नंबर आओगा इतना में। देखिए वो धीरे धीरे भेजेंगे, पहले एक क्लास सिंपल लिखती है। ये खुशी की मम्मी खुशी को लेने आई है। ये यहाँ पेरेंट्स की भीड़ लग गई है, वैन वाले बच्चे जाएंगे इतनी पहले क्यों। तो ये इतनी ज्यादा भीड़ में से संदीप पार्थ को लेके आया है, मैं तो घुस नहीं पाई। पार्थ भीड़ देखी, देख ली मैं, भीड़ में घुस रही थी। पार्थ रो क्यों रहा था सुबह, ये देख मास्क करे क्या करके, देख मास्क इतने हैंकी बना दिया क्या मास्क का, तूने क्या कर दिया मास्क का। पार्थ रो क्यों रहा था बेटा सुबह, गलती से रो रहा था, मन नहीं लगा था, वो बच्चा था इसलिए रो रहा हुआ, वो बच्चा रो रहा था। आपकी क्लास में एसी ऑन कर रखा था पार्थ? हाँ ऊपर वाले में पंखा भी था, और नीचे वाले में ना नहीं था पंखा और एसी भी नहीं था। अच्छा तो आपको गर्मी तो नहीं लगी? लगी थी नीचे वाले में तो। नीचे वाली क्लास में कब शिफ्ट किया, अभी लास्ट में? हाँ छुट्टी के टाइम पे। अच्छा ये बोल बोल के आएंगे क्या आएंगे आप? अच्छा ये बोला था कि मम्मी पापा आ रहे हैं। हाँ सबको बोल रही थी और नीचे ले आई। मैम कौन सी मैम लेके आई? जो ऊपर पढ़ा रही थी वही पूजा नरूला मैम। हाँ सुपर मैम को वहाँ पे गई, वहाँ पे पढ़ा दिया। अच्छा फिर आपने अपना लंच फिनिश कर दिया? करा। आपको बताओ पहले, आप मारोगे? नहीं मारूंगी, चलो बताओ। नहीं क्या?
क्या नहीं खाया? आलू खत्म हो गए। फिर आप चुप हो गए थे बेटा? हाँ। मम्मी क्या नहीं, आप रोए तो नहीं ना? और मानविक रोया फिर? हाँ रोया था, उसको चुप हुआ, फिर दूसरा रोया, वो चुप हुआ, अच्छा चुप हुआ, फिर दूसरा रोया। फिर बच्चे रो रहे थे, आप नहीं रोए फिर? फिर सब रोते रहे, आप नहीं रोया ना? आपका नंबर नहीं आया फिर? फिर उनको चुप किसने करवाया पार्थ? मैम ने डांट के चुप करवाया। अच्छा, झूठे डांटा नहीं होगा बेटा, प्यार से डांटा था। कैसे, क्या बोला? बात करने आओ, किसी से बात नहीं करूंगी, जो जाओ किसी से बात तो जाओ। आपको भी पड़ी डांटा? मुझे ही पड़ी, आराम से बैठा हुआ था। और ये हम पार्थ को लेके आ गए स्कूल में से, बहुत भीड़ थी और अभी इसको हम लेके घर जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग हम ये समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। पार्थ बाय कर दो बेटा। बाय बाय बाय।